वक्त तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं, नकुलनाथ के साथ पहुंचे हैं। और अटकलें ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में कमलनाथ हैं। और ये कहा जा रहा है उनके समर्थकों की ओर से कि जो भी कमलनाथ जी का कदम होगा वो देश हित में ही होगा। कमल, अब जरा प्रमोद ये बताइए कि वहां पर किस तरह की चर्चा चल रही है, अगर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा गया है? देखिए, पिछले कुछ दिनों की आप सिलसिले बार मध्य प्रदेश की सियासत समझिए। एक बयान आता है पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का, वो कहती है कमलनाथ यदि आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। और इसके बाद बीडी शर्मा से मेरी जब बातचीत हुई तो वो मुस्कुरा दिए सबके सामने, कोई कुछ बोल नहीं पाया। और लेटेस्ट आपको एक अपडेट दे देता हूं मैं, आप शायद जानते हैं राम मोहन, जो खबर मैं बता रहा हूँ तो कांग्रेस पार्टी के मन को मोहने वाली नहीं है, ये मेरे नाम के अकॉर्डिंग उत्साह वाली कांग्रेस पार्टी के लिए खबर नहीं है। नकुल नाथ ने बायो से कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करने के बाद कमलनाथ के सबसे क्लोज मन सज्जन सिंह वर्मा की मैं एक्स प्रोफाइल देख रहा हूँ और इस पर उन्होंने लिख दिया है बायो पर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश। कांग्रेस पार्टी को लिए कमलनाथ के करीबियों ने भी अब बाय बाय कर दिया है। ये आप देखिए मेरी स्क्रीन को, मैं कहूंगा मेरे सहयोगी रजत दुबे ये तस्वीर दिखाएं, ये क्लोज करके, क्योंकि यदि सज्जन सिंह वर्मा नकुल नाथ अपने बायो से कांग्रेस पार्टी के लिए यदि बाय बाय कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से के किनारे में आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहना चाहते। इसके बाद और आप आगे आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं से मेरी बातचीत हुई। राम मंदिर एक तरफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन जो आयोजन था उसका अस्वीकार कर रही थी, लेकिन कमलनाथ एक दूसरे ही रंग में रंगे नजर आ रहे थे। और ये बात साफ है कि एमपी कांग्रेस में जो ताजपोशी हुई है उसको लेकर कमलनाथ को कोऑर्डिनेशन में नहीं रखा गया। प्रमोद जरा एक बात और बताइए, सज्जन सिंह वर्मा के भी बायो बदल देने का मतलब क्या है? दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं। ये देखिए, ये सज्जन सिंह वर्मा का हम फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, पिछली कमलनाथ सरकार में तो मंत्री थे ही, इससे पहले भी वो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। हालांकि कई बार विवाद बयानों की वजह से भी सज्जन सिंह वर्मा सुर्खियों में रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश का वो बेल्ट है, देवास की बात करेंगे आप, सोनकच्छ की बात करेंगे, इस बेल्ट में सज्जन सिंह वर्मा का अच्छा होल्ड रहा है। अब जरा ये भी बताइए कि अगर सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ ये स्विच होते हैं तो मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि इस बार जीते कांग्रेस के विधायक वहीं थे जहां पे कमलनाथ का होल्ड है। इसके अलावा तो हमने तस्वीर देखी है कि क्या बीजेपी ने सुपड़ा साफ किया है। प्रमोद, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता सज्जन सिंह वर्मा की आप बातचीत कर रहे थे, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, ये आप देखेंगे तो ये उन्होंने एक घंटे पहले अपनी प्रोफाइल बदल दी। बायो से नकुलनाथ के बाद कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा ने भी कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर दिया, गायब कर दिया। अभी आप प्रोफाइल देखेंगे तो एक घंटे पहले की है, और इसमें ये फोटो आप देखेंगे तो ये वो जनगणमन लिखा हुआ पीछे, बिल्कुल मैंने देख लिया आगे सज्जन सिंह वर्मा, एग्जैक्टली कांग्रेस में उनका ट्राई कलर तो है, ट्राई कलर है लेकिन हाथ का पंजा नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। और सब कुछ इशारों पे ही चलता है, और वो जो हाथ का पंजा नहीं होना, इन सब के बीच तस्वीर जरा देख लीजिए, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त दिया आपके सामने हम इस वक्त दिखा रहे हैं, कमलनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। पहली तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, कमलनाथ के साथ नकुलनाथ भी मौजूद है। दोनों जो है वो इस वक्त जा रहे हैं, किसके संपर्क में है, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है कमलनाथ और नकुलनाथ। ट्विटर प्रोफाइल बहुत तेजी के साथ, एक्स के प्रोफाइल बहुत तेजी के साथ, बायो बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, और सिर्फ एक दो नेताओं के नहीं बदलेंगे। अगर कमलनाथ ने अपना बायो बदल दिया तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेता बहुत कुछ बदलने वाले हैं, और राजनीति भी मध्य प्रदेश की बहुत कुछ बदल सकती है। तो ये लगातार हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं कि किस तरह से अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। Zee News.